हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि। सो गाइस, टुडेस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू विच इज फ्रॉम प्लम। तो प्लम का मेकअप रिमूवर बाम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सी काफी अच्छी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आपको ये मिलता है। तो इस तरह का ये जार आपको रिसीव होता है यहाँ पे। सो यू कैन सी का जो प्राइस है 545 इसका प्राइस है, जिसमें आपको 90 ग्राम की क्वांटिटी मिलती है। ओके, तो इस तरह का आपको इसमें एक कार्ड मिलता है जिसमें आपको बताया जाता है कि सबको किस तरह से पिक करना है, किस तरह से रब करना है, किस तरह से रिमूव करना है। तो यू कैन सी ओके, तो इसका मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ बिकॉज मुझे ये काफी अच्छी लगी थी, इसका जो बाम टाइप से होते हैं। ओके, तो इसे यूज करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये मेकअप किया हुआ है जिसे मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। इसमें एक स्पैचुला सा आता है जिसे आप पिक कर सकते हो प्रोडक्ट को, यू कैन सी। ओके, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये तो सबसे पहले मैं अपनी ज्वेलरी और आईलैशेस और हेयर को टाई कर लेती हूँ, देन मैं आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगी। सो मैंने यहाँ पे अपनी ज्वेलरी, अपने लेंस और अपनी लैशेस को रिमूव कर दिया है। अब मैं अप्लाई करूंगी प्लम का ये मेकअप रिमूवर बाम। ओके, तो ये काफी अच्छी पैकेजिंग में आता है, यू कैन सी। प्रोटेक्टिंग लेयर आपको यहाँ पे मिलती है जिससे आपको प्रोडक्ट को इस तरह यूज दिस स्पैचुला। तो इस स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको स्क्रैच करके इस तरह से स्क्रैच करके मैं अप्लाई करूंगी इसे। सो अभी से हम ट्राई करेंगे कितना वर्क करता है और क्या है इसका, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। और मैं इसमें कोशिश करूंगी कि कुछ कट ना लगाऊं जिससे आपको इसका जेन्युइन फीडबैक मिल सके। तो आई जस्ट रब इट आउट लाइक दिस, और इस तरह से आपको इसे रिमूव करना है। आई मेकअप रिमूव कर रही हूँ, ये थोड़ा सा मेसी हो जा रहा है बिकॉज ये बाम है, जस्ट बिकॉज इसलिए आपको थोड़ा सा मेसी अप लगेगा। यू कैन सी, ओह माय गॉड, मेकअप तो इसने अच्छे से रिमूव कर रहा है। मुझे ज्यादा अपने हैंड के प्रेशर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत नॉर्मल सा रब कर रही हूँ। मैं आपको भी बहुत नॉर्मल सा रब करना है। ओके, तो यू कैन सी मैं इस तरह से रब कर रही हूँ। गाइस, बहुत अच्छे से रिमूव कर रहा है, एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं इस पे। और मैं बहुत अच्छे से अपनी आई मेकअप रिमूव करूंगी बिकॉज मैंने लैशेस अप्लाई करी थी तो उसकी ग्लू ना रह जाए। तो अच्छे से, इससे क्या होता है बाम अगर आप यूज करते हो ना तो आपका फेस ड्राई नहीं होता है, एक बेनिफिट इसका ये हो जाता है। जस्ट बिकॉज इसलिए आई हैव ड्राई स्किन, सो दैट्स व्हाई मैंने ये बाम का सोचा कि मुझे बाम ट्राई करनी है। एक क्लिनिक की बाम भी आती है, तो अगर आप उस तरह के एक्सपेंसिव बाम नहीं ले सकते हो सो दैट आप प्लम का ये ले सकते हो। मैं आपको इतनी स्टेज पे ये रेकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरा मेकअप बहुत ही अच्छे से ग्लाइड होते हुए निकल रहा है, बहुत ही अच्छे से, यू कैन सी। ओके, सो ये है वेट वाइप, ओ माय गॉड, सुन कर ले। सो यू कैन सी सारा का सारा मेकअप मेल्ट होके निकल रहा है। यू कैन सी गाइज, जस्ट मैंने फिंगर की हेल्प से ही इसे रिमूव करा है, मैंने कोई भी टूल का यूज नहीं करा है और इसने पूरा का पूरा मेकअप रिमूव कर दिया। इनफैक्ट काजल भी नहीं बचा, आप देख सकते हो कि आपको थोड़ा सा भी काजल नहीं दिख रहा होगा, सारा का सारा रिमूव हो गया है। ओह माय गॉड गाइज, मतलब और मेरा फेस बिल्कुल भी मुझे ड्राई नहीं लग रहा है क्योंकि मैं जब भी मुझे लगता है मैं मेकअप रिमूवर यूज करती हूँ ना, क्लेंजिंग जो होते हैं मेकअप रिमूवर यूज करती हूँ ना, तो जो मेरा फेस है ना थोड़ा ड्राई हो जाता है। सो इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही, जस्ट मुझे अपना फेस वॉश करना है, देन आई एम रेडी। ओ यू कैन सी गाइस, सारा का सारा मेकअप इसमें आ गया है और मेरे फेस पे आपको कोई भी मेकअप नहीं दिख रहा होगा। तो जस्ट मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, देन मैं आपके साथ में दिए गाइस। सो यू कैन सी मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने जस्ट फेस वॉश अप्लाई करा और जस्ट सारा मेकअप जो भी थोड़ा सा रेस्ट था वो भी रिमूव हो गया है बिकॉज ऑलमोस्ट सारा जो मेकअप था वो ग्लाइड डाउन होकर ब्रेक हो गया था। सो या अभी आई फील सो स्मूथ, मेरी स्किन बिल्कुल भी ज्यादा ड्राई फील नहीं कर रही है, इची फील नहीं कर रही है। तो ये जो प्लम गुडनेस के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, 100% वेगन होते हैं और ये एनिमल्स पे टेस्ट नहीं करते हैं और ये होते हैं, ये रिसाइकल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को,
तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर आपको ग्लिसरीन मिल जाता है, फ्लावर मिल जाता है, सीड्स मिल जाते हैं और काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके मेकअप को ब्रेक डाउन कर देते हैं बहुत इजी वे में। और इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। देन कोको बटर शीट, और ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर आपको पैराबेन नहीं मिलता है, सल्फेट नहीं मिलता है, सोडियम नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर, और ये एनिमल टेस्टेड भी नहीं है। सो या आप इसे यूज कर सकते हो। सो मुझे ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद आया है एज एन पर्सन। अगर मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करने की बोलूं, इफ यू हैव ड्राई स्किन और अगर आपका बजट है 500 से ऊपर तक का, अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। एफर्टलेस रिमूव कर देता है आपका मेकअप ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से। सो यू कैन सी आई फील सो स्मूथ, बिल्कुल भी हार्श नहीं लग रहा है मुझे अपने फेस पे। सो या गाइस, यही था मेरा आज का रिव्यू, होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये मेकअप रिमूवर बाम प्लम का लेना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप बाय कर सकते हो। सो मैं और ऋषि मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।